तो दोस्तों वेलकम बैक टू आरएसआर फाइनेंस। तो दोस्तों आप लोगों में बता दूं भाई, नीरा लोन एप्लीकेशन में मुझे अप्रूवल मिल गई है, फ्री अप्रूवल मिली है। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूं यहां पर। यहां पर आप देख सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर क्रेडिट लाइन 47,000 रुपीज़ हैव बीन टू अप्रूव प्रिंसिपल अमाउंट। मैं डायरेक्टली जो है एप्लीकेशन भी दिखा देता हूँ भाई। नीरा लोन एप्लीकेशन का नाम है, NBFC RBI रजिस्टर है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि भैया यहाँ पर जो है मुझे पहले कंपनी ईमेल आईडी डालनी होगी, एड्रेस प्रूफ डालना होगा और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे जो है फिल करनी होगी। तो भैया यहाँ पर जो है आपने मैसेज भी देख लिया है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, और मैंने इसकी एक स्क्रीनशॉट ले भी ले रखी है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 47,000 रुपीज़ का लोन मेरा जो है अप्रूव हो गया है, 12 महीने के लिए है और 4,722 रुपये का EMI पड़ेगी। अब डायरेक्टली जो है मैं आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर डालना है करंटली कंपनी नेम, तो भाई मैं कंपनी नेम डाल देता हूँ, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ डाल देते हैं अपना जो है डिग्रेशन है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। और यहाँ पे जो है वेरीफाई ईमेल आईडी और अपलोड डॉक्यूमेंट, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। अपलोड आईडी प्रूफ या फिर एम्प्लॉयमेंट टाइप, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं एक सेलेक्ट करके प्रोसीड करता हूँ। तो यहाँ कंपनी का जो है ईमेल आईडी डाल देता हूँ मैं। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने सैलरी स्लिप की जो है स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे जो है KYC करनी होगी और 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगेगा, तो अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो अनब्लॉक फॉर 1 लाख रुपीज़ तक जो है अनब्लॉक हो जाएगा मेरा। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई नाउ पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, और यहाँ पर दिखाता हूँ कि आप लोग कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन और क्रेडिट लाइन 45,000 रुपीज़ हैव बीन टू अप्रूव, आज की डेट में हुआ है जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हो। अब यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसेस समझ लीजिए। अब जो है मुझे यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पर जो है मुझे 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा नेट बैंकिंग से। तो फिलहाल जो है दोस्तों ये चीज़ें प्रोसेस मैं बाद में करूँगा, क्योंकि नेट बैंकिंग अभी मैं यूज़ ही नहीं कर सकता क्योंकि वो दूसरे फ़ोन में है और उसका पासवर्ड भी मैं भूल गया हूँ। तो ऑफिस जाने के बाद फिर उसके बाद ही कर पाऊँगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग खुद देख सकते हो, नोटिफिकेशन आप खुद देख सकते हो, मैं इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो ये चीज़ें मैं जो है बाद में कंप्लीट करूँगा और इसकी पार्ट टू वीडियो आ जाएगी। फिलहाल के लिए आपने देख लिया है अप्रूवल मिल चुकी है, ये सारा प्रोसेस मैं बाद में कंप्लीट करके आप लोगों को लोन लेके दिखा दूँगा।